देखिए, आज हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आपके साथ प्लेस ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे, जो हमें बताता है कि कब हमें आईजीएसटी लगाना है, कब हमें सीजीएसटी लगाना है, कब हमें एसजीएसटी लगाना है। हम आपके साथ जीएसटी में हर वो टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट है, जो आपको फ्यूचर में कभी परेशान ना करें। इससे पहले हमने आपके साथ टाइम ऑफ सप्लाई को डिस्कस करा, जिसमें हमने आपसे ये सीखा था कि आपको बिल कब कब इशू करना है। गुड्स के केस में कब आपको बिल इशू करना है, सर्विस के केस में आपको बिल कब इशू करना है। तो आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। आज हम सीखेंगे कि कब आपको बिल पर सीजीएसटी लगाना है, कब आपको बिल पर आईजीएसटी लगाना है, या कब बिल पर आपको एसजीएसटी लगाना है। आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 5। प्लेस ऑफ सप्लाई हमें ये डिटरमाइन करने में मदद करता है कि अगर हमारी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होगी या हमारी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट होगी। इसी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई यूज करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई करने के लिए मैंने इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक करा तो यहाँ लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अ सप्लाई विच टैक्स इज टू बी लेविड, आईजीएसटी और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी विल डिपेंड्स ऑन वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। जैसे कि मैंने अभी अपना सेक्शन स्टार्ट करते ही बोला था कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मेन पर्पस होता है कि हमें ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कब हमारे ऊपर आईजीएसटी लगेगा, कब हमारे ऊपर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। क्लियर? हाँ, इस सेशन में लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई द प्रोविजन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइडेड करा है। फर्स्ट सेक्शन 10 सप्लाई इज इंडिया एंड सेक्शन 11 सप्लाई आउटसाइड इंडिया। हम इसको प्लेस ऑफ सप्लाई को दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखेंगे, जिसमें पहली कैटेगरी में हम बात करेंगे सेक्शन 10 सप्लाई इन इंडिया। अगर सप्लाई इन इंडिया होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर ये आउटसाइड इंडिया होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की मूवमेंट होगी तब क्या होगा। दूसरा है ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, अगर किसी के डायरेक्शन पे आप माल बेचते हो तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। अगर आप नो मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हैं, अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं होती तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तीसरा, गुड्स असेंबल होता है तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। और फोर्थ है आपका सप्लाइड ऑन बॉर्डर, तो आपके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। इसके साथ साथ अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो क्या होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो क्या आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, ये हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम इसको नेक्स्ट करें, जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की मूवमेंट होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आइए, लिखा है सेक्शन 10। ये सेक्शन 10 सीजीएसटी एक्ट का नहीं है, ये सेक्शन 10 आईजीएसटी एक्ट का है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आपको सीजीएसटी एक्ट में कहीं नहीं मिलेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको आईजीएसटी एक्ट में पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए बताता है स्टेट्स दैट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज टर्मिनेट फॉर डिलीवरी ऑफ रिसिपियंट। कह रहा है कि अगर गुड्स की मूवमेंट होती है, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो हमारे लिए ये रेलिवेंट नहीं है कि प्लेस ऑफ सप्लायर कहाँ है या प्लेस ऑफ रिसिपियंट कहाँ का है। हमारे लिए ये रेलिवेंट है कि
गुड्स की डिलीवरी कहाँ हो रही है। तो यहाँ लिखा है इसने कि वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड बाय द सप्लायर और रिसिपियंट और बाय एनी अदर पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी, मतलब मैंडेटरी है, बी द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपियंट। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि गुड्स की डिलीवरी कहाँ पर हो रही है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। मेरी एक शॉप है दिल्ली में नेहरू प्लेस में। आप यूपी से, आप हरियाणा से मेरे पास आते हो, आप कहते हो कि सर मुझे लैपटॉप चाहिए। आप मेरे पास आते हो यूपी हरियाणा से और मुझसे 30,000 रुपए का लैपटॉप खरीद के चले जाते हो। बताओ मैंने गुड्स तुम्हें कहाँ दिए? मैंने नेहरू प्लेस दिल्ली में दिए। तो टैक्स क्या लगेगा? CGST प्लस SGST लगेगा। क्यों? क्योंकि गुड्स की डिलीवरी कहां पर हुई? दिल्ली में। तो अब क्या लगेगा? CGST प्लस SGST लगेगा। क्या लगेगा? CGST प्लस SGST लगेगा। लेकिन अगर आप मुझसे कहो कि सर मैं इस गुड्स को यूपी लेकर जाऊंगा, आप मुझे अपनी इंफॉर्मेशन देने लगो, आप अपना जीएसटी नंबर देने लगो, अपना एड्रेस देने लगो, तो मैं क्या लोकेशन बनाऊंगा? जो आपकी लोकेशन होगी। तो अगर सामने वाला आपको अपनी लोकेशन बताएगा तो आपकी डिलीवरी ऑफ गुड्स की डिलीवरी क्या हो रही है? उसी राज्य में हो रही है, तो उस स्टेट को गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। और अगर आप नहीं बताओगे अपना स्टेट, अपना एड्रेस, तो उस केस में जहां आपको गुड्स अवेलेबल कराए जाएंगे, यहां जहां गुड्स आपको सौंपे जाएंगे, वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। क्लियर है? इट्स मीन्स प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ रिसीवर आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। इन दिस केस लोकेशन ऑफ गुड्स डिलीवरी इन द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? तो यहाँ इसने बोल दिया कि इट्स मीन प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ रिसीवर आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। इन दिस केस लोकेशन ऑफ गुड्स डिलीवर इन द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां भी वो डिलीवर होगा वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इसके बाद सेम वही सेंटेंस रिपीट आप इसे पढ़ लेंगे, कोई भी अंतर नहीं। क्लियर है? ये लिखा है इट्स मीन प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ रिसीवर आर नॉट इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये मैटर नहीं करता कि आप सप्लायर कहाँ के हो और आप रिसीवर कहाँ के हो, ये इंपॉर्टेंट करता है कि गुड्स की डिलीवरी कहाँ हो रही है। क्लियर है? इसके बाद लेट्स अस अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसके साथ अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें एक हेमंत ट्रेडर है जो लोकेटेड इन अहमदाबाद। वो कहाँ पर है? एक अहमदाबाद में लोकेटेड है। उन्होंने 100 पीस टी शर्ट को सेल कराए किसको? सुमंत गारमेंट एंड ट्रेडर्स को, जो कहाँ पर लोकेटेड है? बॉम्बे में लोकेटेड है। ठीक है, बॉम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। हेमंत ट्रेडर डिलीवरी द प्रोडक्ट टू सुमंत गारमेंट इन इट्स वेयर हाउस इन लुधियाना पंजाब। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द पंजाब एंड IGST विल बी लेविड इज इट इज इन द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। कॉमन सी बात है। अब इसमें हेमंत ने, सुमंत ने हेमंत को ऑर्डर दिया, लेकिन उसने माल महाराष्ट्र ना मंगा के माल कहाँ मंगा लिया? पंजाब मंगा लिया। तो बताओ गुड्स की डिलीवरी कहाँ हो रही है? पंजाब की। तो हमने सीखा था प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ रिसीवर आर नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज दैट कि गुड्स वेयर डिलीवर, कहाँ डिलीवर हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट करता है। तो टैक्स किसको मिल जाएगा? पंजाब गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लायर कहाँ का है? अहमदाबाद का। प्लेस ऑफ गुड्स डिलीवर लुधियाना। प्लेस ऑफ रिसिपियंट महाराष्ट्र। तो टैक्स किसको मिलेगा? लुधियाना गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसने किसको ऑर्डर दिया है? इसको ऑर्डर दिया। ठीक है, तो गुड्स परचेज कर रहा है ये बंदा, कर रहा है। ठीक है, और इसने फिर गुड्स की सप्लाई कहां पर करवा दी? लुधियाना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की होगी? लुधियाना की होगी। तो टैक्स किसको मिलेगा? लुधियाना की गवर्नमेंट को मिलेगा। क्लियर है? लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब आता है आपका नया टॉपिक जो बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। जो बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। अगर आप अपने बिहाफ पर किसी और को माल भेज रहे हो
तो क्या ट्रीटमेंट होगा जीएसटी में। इसे बिल टू शिप टू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे बिल टू शिप टू के नाम से जाना जाता है। मैं इसे नेक्स्ट करता हूं। जब आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो लिखा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन वेयर द गुड्स आर डिलीवर बाय द सप्लायर टू आर रिसिपियंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। अगर रिसीवर के डायरेक्शन पे आप किसी दूसरे बंदे को माल बेचते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो लिखा है वेदर अट्रैक्टिंग एज इन एजेंट बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। हो सकता है कि वो बंदा आपको कहेगा कि आप उस बंदे को क्या दे दो, उस गुड्स का टाइटल भी दे दो या उस गुड्स के आप डॉक्यूमेंट भी दे दो। क्लियर? जैसे हुआ क्या, एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मैंने यहां से एक एक्सेल ऑन करा, यहां से मैंने एक्सेल लिखा, एक्सेल ओपन हुआ, ठीक है। एक्सेल ओपन हो जाने के बाद मैं आया, ठीक है, मैं मिस्टर ए हूं, ठीक है, और मैं सेल करने वाला हूं। आप मुझसे माल खरीदने आए, आपने कहा सर मैं माल खरीदूंगा। आप मिस्टर बी थे, आप यूपी के थे, मैं दिल्ली का था, ठीक है। आपने कहा सर मुझे माल भेज दो, मैंने कहा ठीक है सर आपको माल भेज दो, लेकिन क्या उसने कहा सर आप बिल मेरे नाम से बनाओ, पैसा मैं आपको दूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप इट्स गुड्स की मूवमेंट ना आप इसे शिप टू कर देना इसको मेरी एक और ब्रांच है कहां पर, डी नाम पर, जो हरियाणा के अंदर है। अब बताओ मिस्टर ए ने बिल बनाया मिस्टर बी के नाम से, पैसा मिस्टर बी देगा, लेकिन गुड्स की डिलीवरी कहां हो रही है, डी के पास। तो टैक्स किसको मिलना चाहिए, इस वाली गवर्नमेंट को मिलना चाहिए या फिर हरियाणा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए? अगर आप इस केस में देखो ना, तीन ट्रांजेक्शन है। एक ट्रांजेक्शन है मिस्टर ए टू मिस्टर बी के बीच की ट्रांजेक्शन है। क्लियर? एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी के बीच की ट्रांजेक्शन है, और दूसरी ट्रांजेक्शन है मिस्टर बी टू मिस्टर डी। ठीक है, तो इस केस में जो मिस्टर ए बी को माल बेचेगा तो यूपी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, और जब बी से माल डी को जाएगा तो हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो इस केस में अगर आप बिल टू शिप टू का केस आता है आपके पास, तो जो आपको ऑर्डर दे रहा है वही टैक्स को कलेक्ट करेगा, और फिर ये वाला बंदा इसको माल बेचेगा तो डीबी टैक्स को कलेक्ट कर लेगा। तो यही बात यहां लिखी है। अब हो सकता है तुम उसे पूरा राइट दे दो कि आप पूरे गुड्स भी रख लो, आप बिल भी रख लो। तो क्या लिखा है, वेदर अट्रैक्टिंग एज इन एजेंट whether attracting as a agent before or during movement of goods either by way of transfer of a document title of the goods shall be deemed, ye mana jayega, and the said third person has received goods, aur ye mana jayega ki third person ne goods receive kara, the place of supply such goods shall be the principal place of business of such person, जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया वही प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। क्लियर? व्हेन गुड्स आर डिलीवर टू अ पार्टी ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच थर्ड पर्सन एंड नॉट वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट। ये मत मानना जहां गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट हो रही वो लोकेशन नहीं होगी, जो तुम्हें ऑर्डर देगा उसकी प्लेस को ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आ जाए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर एक मिस्टर हेमंत है और यहाँ पर एक मिस्टर है सुमंत। ये बंदे इसने इसको ऑर्डर दिया हेमंत को और कहा कि आप मेरा माल विमल को दे देना। अब बताओ हमने सुमंत के कहने पर किसको माल ट्रांसफर कर दिया, विमल को।
अब यहाँ लिखा है ही रिसीव इन ऑर्डर फ्रॉम द मिस्टर सुमंत हु इज आल्सो लोकेटेड इन अहमदाबाद। वो कहाँ लोकेटेड था? अहमदाबाद। लेकिन विमल इज अ कस्टमर ऑफ मिस्टर सुमंत गारमेंट, ठीक है, तो ये उसका कस्टमर है। तो हम माल को कहाँ भेज रहे हैं? विमल को। माल विमल के पास जा रहा है, किसके बिहाफ से जा रहा है? सुमंत के। तो हम टैक्स क्या लगाएंगे? सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में। तो यहाँ लिखा है द ऑर्डर इज फॉर द सप्लाई ऑफ 50 फैब्रिक रोल विद इन इंस्ट्रक्शन टू शिप द फैब्रिक रोल टू विमल लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो उस केस में जो टैक्स लगेगा वो टैक्स लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम स्टेट के हैं। आज है बिटवीन मिस्टर हेमंत एंड मिस्टर सुमंत, ठीक है, मिस्टर हेमंत इज द सेलर एंड मिस्टर सुमंत इज अ बायर। अब जब मिस्टर सुमंत हेमंत सुमंत को माल बेचेगा तो पैसा तो डेफिनेटली वो ही देगा, तो उस केस में हम बिल किसके नाम पे बनाएंगे? उसके नाम पर, और टैक्स भी उसी को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुमंत किसको माल बेचेगा? विमल को। और टैक्स किसको मिल जाएगा? विमल को। विमल किसको पैसा दे देगा? सुमंत को पैसा दे देगा। यही बात लिखी हुई, आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं। इस केस में लिखा है ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सुमंत मिस्टर हेमंत शिप द फैब्रिक रोल टू विमल इन लोकेटेड इन महाराष्ट्र। हेयर सुमंत इज डीम्ड एज अ थर्ड पर्सन, देयर फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस थर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अहमदाबाद गुजरात। अकॉर्डिंगली हेमंत ट्रेडर चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी ऑन बिलिंग टू द सुमंत, ठीक है, तो किसके चार्ज करेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज करेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और प्लेस ऑफ रिसिपिएंट क्या है? महाराष्ट्र, तो क्या एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। लिखा है द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन सुमंत एंड विमल विल बी द इंटर स्टेट विल बी चार्ज आईजीएसटी। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, पहले केस में हेमंत इसको माल बेचे तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाएगा, और फिर अगली ट्रांजेक्शन में ये महाराष्ट्र माल बेच रहा है तो क्या लगाएगा? आईजीएसटी लगाएगा। इसके बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं होती है तब क्या होगी प्लेस ऑफ सप्लाई? कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम क्या नहीं करा सकते, मूवमेंट नहीं करवा सकते, गुड्स की मूवमेंट नहीं हो सकती। हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, हम आपको क्या करवा सकते हैं? अवेलेबल करवा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं पूरा कैमरे का सेटअप है, मैं ये कैमरा बेसिकली रेंट पर लेके आया था, लेकिन 3 महीने बाद मुझे लगा यार ये कैमरा मैं खरीद लेता हूँ। अब मैंने इस कैमरे को खरीद लिया, क्या इसकी गुड्स की मूवमेंट डिलीवरी हुई? डिलीवरी तो हुई नहीं, मतलब मूवमेंट हुई, गुड्स तो मेरे पास था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब ये गुड्स की डिलीवरी हो गई है उसके बाद आप इसको खरीद रहे हो, तो जो इसकी डिलीवरी प्लेस होगी वही क्या बन जाएगी? इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। इस केस में लिखा सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी स्टेट्स दैट वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रिसिपियंट द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रिसिपियंट। क्लियर है? जहां उसको डिलीवरी होगी गुड्स की वही बन जाएगा। क्लियर है? जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, अब वेटर काउंटर से लेकर आपकी प्लेस तक कोई गुड्स लेके आया? नहीं, वो गुड्स लेकर नहीं आया, उसने आपको डिलीवरी करवाई, तो उस केस में जो आपकी प्लेस ऑफ डिलीवरी होगी वही बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? व्हेन गुड्स गुड्स आर ऑफ सच नेचर व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मूवमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी जिसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, इसलिए गवर्नमेंट ने टॉपिक बनाया प्लेस ऑफ सप्लाई का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट होता है, यही टॉपिक समझाया गया है प्लेस ऑफ सप्लाई नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। हेमंत फैब्रिक ऑफ अहमदाबाद गेट्स इन ऑर्डर ऑफ 500 रोल फ्रॉम विमल इन अमृतसर। इन अमृतसर इनफॉर्म हेमंत फैब्रिक दैट दे विल टेक द डिलीवरी ऑफ द फैब्रिक रोल
फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ हेमंत फैक्ट्री फ्रॉम सूरत। अब हुआ क्या, हेमंत को एक ऑर्डर मिला विमल से और उसने कहा कि सर आप गुड्स की मूवमेंट मत करो, आपके नियर बाय एक मिस्टर हेमंत फैब्रिक है, आप उसकी फैक्ट्री में माल को रख लो। या आप इस पिक्चर में ध्यान से समझे तब आपको समझ आएगा। हेमंत को ऑर्डर दिया विमल ने कि कहा कि आप मुझे 500 रोल फैब्रिक माल दे दो। उसने कहा मैं आपको फैब्रिक दे दूंगा लेकिन माल ना तुम अपने पास ही रख लेना, माल तुम अपने पास ही रख लेना। तो उस केस में क्या गुड्स की मूवमेंट हुई? गुड्स की मूवमेंट तो नहीं हुई, तो उस केस में क्या लगेगा आपके ऊपर? CGST प्लस SGST लगे। गुड्स आपके सूरत में था और वहीं आपको डिलीवरी भी हो गई, तो उस केस में CGST प्लस SGST लगे। बेसिकली होता क्या है, एक लोगों की दो फर्में होती है, एक की पंजाब में थी और उसकी फर्म गुजरात में भी थी। तो उसने कहा कि आप मेरी सेम प्लेस पर ही माल डिलीवर करा देना। तो उस केस में इसके अंदर और आप क्या चार्ज करोगे? CGST प्लस SGST, क्योंकि उसकी डिलीवरी लोकेशन भी सेम थी। ओवर हेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज अहमदाबाद गुजरात एंड लोकेशन ऑफ द रिसीवर अमृतसर, विमल हैज एग्रीड टू टेक द डिलीवरी फ्रॉम हेमंत फैब्रिक सूरत फैक्ट्री, द इम्प्लाइंग दैट द टर्मिनेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फैब्रिक रोल टू विमल टेक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑफ हेमंत फैक्ट्री दैट इज इन सूरत, हिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज सूरत इन अहमदाबाद। ठीक है, तो क्या चार्ज हो जाएगा? CGST प्लस SGST चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन गुड्स आर इंस्टॉल, अगर गुड्स इंस्टॉल होते हैं तब क्या होता है, ये एक अच्छा टॉपिक है। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। लिखा है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज डी स्टेट्स वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल एट साइट द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबल। अगर मैं दिल्ली में हूं, आप भी दिल्ली में, मैं आपसे एक लिफ्ट खरीद रहा हूं और इस लिफ्ट को मैं यूपी में अपनी नई फैक्ट्री में लगाना चाहता हूं, अगर मैं आपसे माल खरीदूंगा तो आप CGST प्लस SGST लगाओगे ना, क्योंकि मैं भी दिल्ली का हूं आप भी दिल्ली। लेकिन वो लिफ्ट कहां इंस्टॉल होगी? यूपी में। तो गवर्नमेंट ने कहा लिफ्ट यूपी में यूज कर रहे हो, सारा बेनिफिट तुम यूपी से लोगे, इलेक्ट्रिसिटी आप यूपी की यूज करोगे और टैक्स तुम स्टेट गवर्नमेंट को दोगे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं। तो इस केस में अगर तुम कोई चीज इंस्टॉल करवाते हो या किसी चीज को असेंबल कराते हो तो जहां वो असेंबल होगी वही क्या बन जाएगी? उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। वही क्या बन जाएगी? उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन गुड्स आर इंस्टॉल हेमंत फैब्रिक रजिस्टर इन महाराष्ट्र ओपन अ न्यू ऑफिस इन पंजाब इट्स परचेज ऑफिस फर्नीचर टू बी असेंबल एट इट्स पंजाब ऑफिस फ्रॉम द सुमन फर्नीचर लोकेटेड इन महाराष्ट्र दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांजेक्शन। ये क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने गुड्स कहाँ से खरीदे थे? हम अहमदाबाद के थे, हमने गुड्स भी अहमदाबाद से खरीदा लेकिन वो यूज कहाँ पर होगा? लुधियाना में। तो उस केस पर आपको टैक्स CGST प्लस SGST नहीं लगेगा, क्या लगेगा? IGST। लिखा इन दिस केस द लोकेशन ऑफ द सप्लायर महाराष्ट्र बट ऑफिस फर्नीचर विल बी असेंबल इन पंजाब देयरफॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द पंजाब एंड IGST विल लेवी। तो क्या लेवी होगा? IGST लेवी होगा। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लाइड ऑन बॉर्डर, अगर आपका माल बॉर्डर से मूव होता है तो उस केस में क्या होगा? ये आपको कई बार कंफ्यूजिंग कर देगा। ये टॉपिक बेस करता है उस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो मार्केट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सर सपोज दैट आप दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहे हैं, आप दिल्ली की ट्रेन में बैठते हैं, जैसे आप ट्रेन में बैठते हो वैसे ही ट्रेन में बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं जो आपको रास्ते में दी जाएंगी, हो सकता है आप उसे परचेज करो, हो सकता है आप उसे परचेज ना करो। क्लियर? तो अब तुम दिल्ली से चले, अब तुम यूपी पहुंचे, यूपी पहुंच के तुमने कहा सर मुझे बुक खरीदनी है। अब जब तुम यूपी में बुक खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट कहेगी अब बताओ किसको टैक्स मिले,
दिल्ली गवर्नमेंट को मिले या यूपी को? ऐसे तुम थोड़ी आगे गए, पंजाब में आए, तुमने कहा सर मुझे वॉच परचेज करनी है। अब बताओ पंजाब को टैक्स मिले या दिल्ली को मिले? तो इसके लिए ये टॉपिक बनाए कि अगर आपका गुड्स की मूवमेंट होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बाय रेल, बाय व्हीसल और बाय एयरक्राफ्ट, क्लियर है, तो उस केस में आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां से वो स्टार्ट होगी। ये लिखा है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ई, स्टेट वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बॉर्डर अ कन्वेंस इंक्लूडिंग अ व्हीसल एन एयरक्राफ्ट अ ट्रेन और अ मोटर व्हीकल, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट विच द सच गुड्स आर टेकन ऑन बॉर्डर, जहां वो क्या किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे या जहां गुड्स वो रखे जाएंगे, वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब तुम दिल्ली से उड़े महाराष्ट्र के लिए, अब तुम यूपी पर जैसे चल रहे थे, तुमने वहां कोई चीज परचेज करी, तो क्या हम यूपी लेंगे? नहीं सर, जहां से वो क्या हो रहा था, स्टार्ट हो रहा है। दिस प्रोविजन इंक्लूड दोज परचेज विच आर डन वाइल ट्रेवलिंग ऑन अ कन्वेंस, ठीक है? ठीक है, तो आप यहां समझ जाएं कि एक मिस्टर सुमंत इज ट्रेवलिंग ऑन द क्रूज, ठीक है, लाइनर फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा, तो वो एक बॉम्बे टू गोवा जा रहे थे, ही परचेज अ गिफ्ट फ्रॉम द इन हाउस स्टोर इन द क्रूज, दिस गिफ्ट वेयर ऑन द बॉर्डर फ्रॉम बॉम्बे, कहां से खरीदा, खरीदा बॉम्बे से खरीदा, और वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, बॉम्बे से ही स्टार्ट हो रहा था। रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ गिफ्ट इन बॉम्बे, तो उसकी रजिस्टर प्लेस क्या है, बॉम्बे है, ठीक है, तो उस केस में क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, खरीदा कहां पर, बॉम्बे में, और बेचने वाला भी कहां था, बॉम्बे पे, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी बॉम्बे, दिस इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी चार्ज। चले नेक्स्ट, आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्ट, अगर तुम एक कंट्री से दूसरी कंट्री माल खरीदते हो तब क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट सेक्शन 11, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, जो इंपोर्टर की लोकेशन होगी ना वही क्या मानी जाएगी, वही क्या मानी जाएगी, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जैसे आप यहां देख लो कि आपने एक माल खरीदा न्यूयॉर्क से, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, यूएस से, ठीक है। नीचे एग्जांपल में आ जाओ, अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो तो जिस कंट्री में जाएगा वही आपकी क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमिनेशन द टैक्स इनवॉइस नॉ, सेक्शन ऑफ टाइप ऑफ सीजी लिखा है, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ जीएसटी, बिल्कुल इसका आंसर बी है, आपको नीचे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ सप्लाई या डिटरमिनेशन ऑफ पेमेंट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, नो इसका आंसर बी है। आप देखना चाहें तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मेन यूज होता है ये डिटरमाइन करना कि आपके ऊपर कब क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा। क्लियर है, तो आज हमने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करा जो रिलेट करता था प्लेस ऑफ सप्लाई से, और प्लेस ऑफ सप्लाई का मेन पर्पस होता है ये डिटरमाइन करना कि आपके ऊपर सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आप डेफिनेटली कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे बिजी के अंदर कि प्लेस ऑफ सप्लाई को किस तरीके से डिटरमाइन करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।